ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश और प्रदेश में अलर्ट चल रहा है, वहीं अब सरकारी व निजी बसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें बसों में सफर करने वाले यात्रियों को किसी तरह का खतरा ना रहे। इसी कड़ी में धर्मशाला बस अड्डा में भी सैनिटाइज का काम शुरू हो गया है। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरे देश और प्रदेश में अलर्ट चल रहा है, वहीं अब सरकारी व निजी बसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिससे बसों में सफर करने वाले यात्रियों को किसी भी तरह का खतरा ना रहे। इसी कड़ी में धर्मशाला बस अड्डा में भी सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के चलते बस अड्डे को स्वच्छ रखने व बसों को सैनिटाइजेशन करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसे में खाली बसों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस को लेकर कोई भी भय का वातावरण यात्रियों में ना रहे। बस स्टैंड में परिवहन विभाग व बस ऑपरेटरों द्वारा बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। यात्रियों की भीड़ थोड़ी कम बसों में हो रही है, लेकिन डर न रहे इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। RMHRTC धर्मशाला पंकज चड्डा ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए धर्मशाला में सरकारी व निजी सहित बाहरी अंडरटेकिंग बसों की सैनिटाइजेशन शुरू की है। सुबह से लेकर रात तक नियमित तौर पर प्रतिदिन सैनिटाइजेशन की जा रही है। इसके साथ ही कांगड़ा बस स्टैंड पर भी बसों की सैनिटाइजेशन की जाएगी। छिड़काव के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे जितने बस स्टैंड हैं, अभी तक अभी हमने धर्मशाला में ये सैनिटाइजेशन शुरू की है। जो भी बसेस, चाहे वो HRTC की हैं, चाहे प्राइवेट है, चाहे किसी और बाहर के अंडरटेकिंग की है, उन सब बसों को हमने एक अपने लोग लगाए हैं और हम लोग सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, ताकि कोरोना वायरस से निपटा जा सके। अभी कंटिन्यूसली सुबह से लेकर रात तक, जब तक इसका निपटारा नहीं होता है, तब तक हम कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को रोजाना सुबह से शाम तक रखेंगे। और जो भी बस हमारी यहाँ आएगी, और कल सुबह से हमने और पंप्स मंगवा दिए हैं, तो हम इसके बाद साथ ही जो कांगड़ा हमारा बस स्टैंड है, वहाँ से भी हम जो गाड़ियाँ जाएंगी उन सबकी सैनिटाइजेशन करेंगे। सभी बसेस, चाहे निजी है, चाहे सरकारी है, चाहे कोई बाहर की अंडरटेकिंग की है, और जो भी बस स्टैंड पे गाड़ी आएगी उन सबकी सैनिटाइजेशन करें। हमने अभी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 10% कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन मंगवाया हुआ है, और उसको उसके तहत हम जो उसकी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं।